बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एक्चुअली. हमें तब पता लगता है जब लोग हमें टैग करते हैं या रील्स बननी शुरू होती हैं, बिकॉज हमारा गाना है, ग्रूविंग सॉन्ग है, डांस सॉन्ग है. तो जब जितना लोग ज़्यादा नाचेंगे एंड हमें टैग करेंगे, वीडियोस भेजेंगे, तभी हमें ज़्यादा पता लगेगा. एंड ऐसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है जैसे एक्सपेक्ट किया था. अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मेहनत की थी, एंड अभी जब अच्छे अच्छे आगे से रिव्यूज़ मिल रहे हैं तो मज़ा आ रहा है. आपके कहने क्या है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहला वीडियो है मेरा डांस वीडियो और परफॉर्मेंस वाला है, जिसमें भाई ने खुद तो परफॉर्म किया परफॉर्म किया. सबसे ख़तरनाक चीज़ वो था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसमें नाचूंगा गाऊंगा ऐसे, लेकिन सपोर्ट इतना अच्छा मिला है टीम से, इंक्लूडिंग मतलब तो कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो खेरा पाजी थे, तो खेरा पाजी ने बहुत सपोर्ट किया. इसलिए वीडियो जो एक्चुअली बेसिकली जो वीडियो होता है ना वो फेस रहता है गाने का, गाना तो 50% रहता है, लेकिन वो बाकी 50% जो है वो तो डायरेक्टर ही है, उन्होंने बनाया और ये पूरा फैमिली बनाया. मैं, पाजी, मोनी, बहुत सपोर्ट मिला. और अभी जब कमेंट्स आता है, जब तारीफ करते हैं तो खुशी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है. इसमें जब मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफ़ी अलग से लुक में भी नज़र आ रहे हैं आप, ऊपर से पहला गाना है अलग से लुक, उसकी कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था उसके बारे में बताइए, किस तरीके से उसका मतलब. सर बेसिकली ना मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं ना खुद को ढूंढता रहता हूँ, आईने के सामने जाता हूँ ना, मैं ढूंढता हूँ कि मैं हूँ क्या. ठीक है, आज तक समझ में नहीं आया. म्यूजिक समझ में आ गया, म्यूजिशियन हूँ, लेकिन एक कैमरा के सामने जो फेस होता है ना, अभी तक मुझे समझ में नहीं आता. मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ठीक है, कभी ये जम जाता है, एक साल रखता हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं ये तो मैं हूँ नहीं, कुछ और बनता हूँ. तो ऐसे करके फिर ड्रेडलॉक्स किया, फिर ड्रेडलॉक्स में कलर किया और सबको अच्छा लगा, तो वो थोड़ा मोटिवेशन मिला. और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जैसे म्यूजिक में करता हूँ, खुद पर भी करता हूँ, लेकिन सपोर्ट बहुत मिला. लेकिन ऐसे नहीं बोला कि बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि पाजी देख के पहले दिन बोला, पाजी बहुत अच्छा किया आपने बाल ऐसे कर लिए. तो यही है. नहीं नहीं भाई को तो मैं तो पहली बार शूट पे मिला, एंड मैं जब भाई को देखा, मैं कहा, मैंने भाई को पहले तो अभी मैम भाई को मिला नहीं हूँ, जितनी भी बात हुई है इंस्टाग्राम पे देखता हूँ भाई को या कुछ, भाई ने वो तो डिस्क्लोज ही नहीं किया था ना लोग. एंड भाई जब मेरे सामने, मैं कहा भाई साहब मेरे को लगता है मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी अभी, है ना. तो आई वॉज लाइक माइक ये चमक रहा है क्या, अच्छा माइक करूँ इधर. ओके जी, तो किसका आइडिया था वो, अगर आइडिया की अगर मैं बात करूँ तो मेरा कुछ टिप्स ये नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल, भाई के साथ मेरी सिर्फ गाने के रिलेटेड बात होती थी जितनी भी होती, बाकी मैं भाई को इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया इतनी बार, पर हम मिले नहीं थे राइट. एंड वो भाई ने तो एकदम लुक है ना एक्सक्लूसिव रखा था, एंड जब मेरे सामने आए ना भाई, हमने शूट करना था, तो मैं कहा यार ये तो बंदा ज़्यादा आगे निकल गया मेरे से फैशन से, मेरे को अभी कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे, मैं तो सिंपल लगूंगा भाई के साथ ना. बट यार वो एक्चुअली हम दोनों जब साथ में आए, एंड मेरे वो अपने स्पाइक्स एंड भाई के डेडलॉक्स, तो वो बहुत सही लगा. एंड देखा वही तो बात होती है कि बंदा ज़्यादा ध्यान दे, ऐसा कुछ होना चाहिए वीडियो में, वो एलिमेंट, इट वॉज द एक्स फैक्टर ऑफ मतलब तानिश के अंदर वीडियो. आपको पता है मैं जब पहला जब स्टार्ट किया था काम, तो मैं गया था मीटिंग में, मीटिंग में गया था, तो मैं आया मिलने के लिए, डायरेक्टर का नाम नहीं बताता हूँ, तो बैठा बैठा रहा, तो मेरे ना सब चुप है, कुछ बातें नहीं कर रहे, तो मैंने पूछा हम वेट क्या कर रहे हैं, तो डायरेक्टर ने बोला हम तनिष्क के लिए वेट कर रहे हैं. मैं बोला सर मैं ही तो बोला तुम तनिष्क को. तब मुझे रियलाइज होगा मैं ना सेल्समैन लगता था, ठीक है, क्योंकि मैं शर्ट पहनता था, बटन इधर, पैंट ऐसे और नॉर्मल चप्पल. तब मुझे रियलाइज हुआ भाई चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ये तो फिर मेरे को वैल्यू नहीं करेंगे. तो ये टाइम लग गया मुझे चेंज होते 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 होते, अपने आप को बेचने का तरीका आना चाहिए. ओके चलो मैं बताता हूँ, ये गाना मेरे पास आया, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम टी सीरीज, है ना, भूषण सर ने प्लान किया होगा कि मेरा गाना करना है तानिश के साथ, एंड भाई के साथ तो मेरी काफ़ी टाइम बात हुई है कि हमने करना है करना है. तो मेरे पास गाना आया, एंड भाई ने लिखा हुआ है, भाई ने कंपोज किया, भाई ने म्यूजिक किया, मेरे पास तो सिर्फ इतना पैकेज आया कि बस कि गा दो आप एंड शूट करेंगे. मैं तो खुश हो गया कि भाई मेरे को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बना बनाया गाना आ गया भाई से. तो ये भाई ने लॉकडाउन के टाइम में गाना बनाया, तो फिर दे प्लान्ड इट विद भूषण सर, भूषण सर कहते हैं वीडियो करेंगे, आपको अंदर डालना है वीडियो में, एंड भाई तो ऐसी चीज़ों से घबराते हैं ना. चलो शुक्र है, मैं कहता हूँ कि आपने मेरे को साथ लिया, फिर मैंने भाई को पूरा कॉन्फिडेंस दिया साथ में, भाई करेंगे, एंड भाई किल्ड इट.
गाना तो मेरे पास तो बना बनाया है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सॉन्ग. तो भाई ने लॉकडाउन में गाना बनाया, हमने साथ में रिकॉर्ड किया एंड शूट किया. आपसे जानना आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सुखी ने तो बता दी अपनी कहानी, आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से शुरुआत हुई इस कहानी की? गाना अभी क्या है, हर हर बार जब कुछ गाना करता हूँ या तो कोई रेफरेंस आता है और या तो कोई सिचुएशन देते हैं, या तो बोलते हैं ये फिल्म का है या सिंगर है. ये गाना ऐसे ही बनाया था, सोचा कि एक गाना बनाता हूँ और बना के रखता हूँ, कभी कोई फिल्म में आ जाएगा सिचुएशन ऐसा तो उसमें डाल देंगे. लेकिन ये गाना जब मैंने भूषण सर को सुनाया, तो अभी भूषण सर बहुत विजनरी होते हैं, मतलब वो ना सोचते हैं अलग ही लेवल पे. बिल्कुल. हाँ, वो गाना है, कौन सा गाना निकालेंगे आपको समझ नहीं है. उन्होंने ये गाने सुन के बोले ये गाना बहुत अच्छा है, इसको सिंगल बनाते हैं और ये प्लानिंग है और उसमें तुम आओगे. तभी मैं खटक गया, आपने क्या बोला? बोले नहीं, इसमें तुम भी आओगे. बोले सर मैं आऊँगा. तो तब से मैं डर गया, गाना तो बना दिया, अभी क्या हो गया, इतना डर आ गया. जब बनाया था तब ये दिमाग में थे कि गाने, दिमाग था ही नहीं ना, मैं बता रहा हूँ ना, गाना बन गया बस. उसके बाद का प्रोसेस तो पता ही नहीं रहता ना, वो तो मैं हैंडओवर कर देता हूँ डायरेक्टर को, फिर वो करते हैं. ये मुझ पर ही हैंडओवर कर दिए कि इतना शॉर्ट टाइम में बनाऊँ कैसे, वो लुक क्या करूँ, कैसे करूँ, पूरा जीरो से स्टार्ट. डर गया था. लेकिन जब मैं सुखी भाई से पहली बार बात किया, जब गाना डब कर रहे थे, तो ये ना बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है. मैंने सच्ची बता रहा हूँ, एक मतलब बहुत इनोसेंट हम्बल और होता है ना, सीखने जो सीखना चाहते हैं. मुझे फ़ोन करके बोलना है भाजी मैं गाऊँ कैसे गाना, ये फिर आप मुझे बताओ, क्योंकि आपने जो गाया है ना बहुत अच्छा है, मैं बस आपके 10% में गा दूँ. मैं बोला आप बोल क्या रहे हो, आपको गाना है, आपका गाना है. भाई बहुत टैलेंटेड है यार, सीरियसली बात है भाई, तो चलो बोलते नहीं ये बातें, बट सीरियसली बात है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड. एंड हमें पता है हम उस हिसाब से कुछ भी नहीं है. एंड हमें जितना सीखने का मौका मिलेगा ना, जितना हम इनसे सीख सकेंगे ना, वही हमारे लिए अच्छा है. और मैं तो अभी भाई को कहता हूँ बताते रहा करो कि क्या करें कैसे करें, हम तो फैन है भाई. प्रोसेस क्या होता है मतलब आपके काम करने का, अगर मैं आपकी अगर बात करूँ, जैसे कि हम देखा कि बहुत सारे गाने आपने क्रिएट करे हैं, गाए भी हैं एंड इसके बाद तो परफॉर्म भी किया है, तो क्या प्रोसेस होता है, मतलब ये पूरा क्रिएटिव कॉल लेते कैसे हैं? ये क्रिएटिव कॉल जो है ना बहुत मुश्किल चीज़ है. ये बहुत टाइम लग गया ये समझने में कि लोगों को क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए. मुझे जो चाहिए शायद लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को जो चाहिए शायद मुझे नहीं चाहिए. तो ये बीच का जो रास्ता है ना वो टफ है, इसी का स्ट्रगल रहता है. ये जो बोलते हैं ना कि प्रोड्यूसर को गाना समझ में नहीं आएगा, गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन वही समझ आएगा कि ये प्रोड्यूसर की गाना चाहिए नहीं, तो उसको सुनाओ मत, उसको वही सुनाओ जो उसको चाहिए, उसको जो चाहिए. अगर तुमको काम चाहिए और अगर तुमको ईगो दिखाना है या तो तुमको अपना कला कला दिखाने के लिए तुमको करना है, तो फिर तुम करो. ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मतलब खराब चीज़ नहीं है, लेकिन वो बैलेंस मैंने थोड़ा सा सीखा है एक्सपीरियंस से. इतना लर्नड नहीं हूँ मैं कि मैं स्टॉप कर लूँ, ये नोटेशन कर लूँ या राग बोल दूँ. मैं अब्जॉर्ब करता हूँ, मैं जिसका कोई गाना निकला उसको सुनता हूँ कि इसने कितना मेहनत किया है इसमें. जब मैं वो करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसमें इमोशन क्या डाला हुआ है, इसमें साउंड क्या डाला हुआ है. और एक चीज़ जो है प्रोग्रामिंग जो है, वो लोग बोलते हैं अच्छा ये लॉजिक है, इसमें किक डाल देंगे, सैंपल डाउनलोड कर लेंगे, उधर ये सॉफ्टवेयर डाल देंगे. ये गेम ही नहीं है. बिल्कुल जी, वो सेकंड है. पहला है कि तुमको चाहिए क्या. वो लैंग्वेज अगर तुम ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने हाथों से कंप्यूटर के अंदर, बिल्कुल, तो आपका काम खत्म. वो एक किक से ही गाना बन जाता है, एक कॉर्ड से ही पूरा गाना बन जाता है, एक प्रोसेस रहता है. तो जितना मिनिमलिस्टिक होता है उतना अच्छा है. और सेकेंड जो सिंगर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गाने का फेस है. सिंगर लास्ट में आता है, ठीक है, और गाना तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन गाना जब प्रेजेंट करते हैं लोग सिंगर को सुनते हैं, तो उनके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है गाना निभाने का, घुमाने का, राइट. तो वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो पतली कमरिया में जो था, मैं बार बार ये क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना है. जितना सुनने में लगता है ईजी है, गा दिया, इसका स्टाइल निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है. लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग दोनों का वॉइस ऐसे ब्लेंड हो गया, मिल गया. कोई नहीं होता है ना, आप सुन लो ना किसी कुमार शानू के साथ या सोनू निगम के साथ, आप उदित नारायण को जोड़ो, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहे हैं. इंडिपेंडेंट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिक्स करेंगे तो कैसा लगेगा पता नहीं. ये गाना लग रहा है कि मतलब पार्ट्स ब्लेंड कर गया एक दूसरे में, एकदम ब्लेंड, मर्ज हो गए. तो ये तो ऊपर वाले का काम है, ये मैनिफेस्टेशन है. और वही है कि एक घर मिल गया मुझे अभी, कि मैं काम कर सकता हूँ और ओपनली डिस्कस कर सकता हूँ. राइट, आप सर तो बता दिए, आप क्या बताना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोसेस पर?
भाई आई एम ऑल्सो म्यूज़िक डायरेक्टर, आई एम ऑल्सो कंपोज़र, मैं भी कुछ अपने गाने लिखता हूँ, कोई टीम लिखती है, बट ना मेरा भी यही जोन है कि इट डिपेंड्स ऑन द वाइब, क्या वाइब है। अगर आज आपके वाइब आ रही है कि आप गाना बनाओगे, आप जाके बैठोगे स्टूडियो, किस वाइब में हो उसी टाइप का गाना निकल के आएगा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, आर्टिस्ट ऐसे ही होता है, आर्टिस्ट को आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, आर्टिस्ट के अंदर से आना चाहिए। नहीं करेगा तो आर्टिस्ट 6-6 महीने कुछ नहीं करेगा, अगर करना है तो रोज़ ही बनाएगा कि आज तो गाना बना के उठूंगा। सो हर गाने की डिफरेंट प्रोसेस होती है। समटाइम्स तो हम बैठे हैं कहीं पे, एयरपोर्ट में हैं, जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में, वहीं पे कोई आइडिया दिख रही, क्योंकि ये आइडियाज़ आते हैं लोगों से चलते फिरते, कोई बात कर रहा है उसमें से आइडिया निकल आया, राइट। एंड समटाइम्स वी एडमायर समथिंग, वहाँ से कोई चीज़ आ जाती है, राइट। समटाइम्स हम सिर्फ अपनी थॉट्स में लेटे ही होते हैं, कई बार कोई दिमाग में आ जाए, जल्दी जल्दी स्टूडियो में जाके डब कर देते हैं कि ये लाइन आ गई दिमाग में, या फ़ोन में रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। सो इट्स ऑलवेज इन अ डिफरेंट वे। समटाइम्स हम बीट बना के रख लेते हैं, बाद में कोई हमारे दोस्त राइटर बैठते हैं साथ, वो कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। सो हर बार डिफरेंट प्रोसेस होता है, बट एट द एंड यही होता है कि वो गाना कैसे लेके आ रहे हो, बाहर प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है मेरे को लगता है। क्योंकि गाने कई बार हम इतने अच्छे बना लेते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते अच्छे तरीके से लोगों तक, तो पहुँचते ही नहीं है गाने कई बार। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में, आई थिंक सो। वो रिएक्शन तो आपने देख ही लिया कि वो इतना एंजॉय करके गाना किया है और पूरा जान लगा दिया उसने, डांस किया और मतलब क्या बोलूँ, बहुत बहुत हेल्प, बहुत सपोर्ट किया गाने में। बिल्कुल, ये विजन भूषण सर का था। विजन में मतलब तो भूषण सर का ही है, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसमें कौन आने वाला, मुझे सिर्फ पता सुखी और मैं इसमें, हाँ ये क्योंकि हम लोग दोनों ने गाना गाया था, तो वो था हीरोइन का मतलब जो फीचर का पता नहीं था, और डर भी लग रहा था कि कौन होगा वो, हाँ ऐसा ना हो कि हम लोग फिर घबरा जाए, क्योंकि मैं तो घबरा जाऊंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इतनी वीडियोस खेल ले, मैं फिर भी घबराता हूँ लड़कियों के सामने, घबराता मैं तो वही चीज़ है। बट मोनी आई तो हम लोग को बहुत कंफर्टेबल लगा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग किसी स्टार के साथ है, यू नो शी इज अ बिग बिग स्टार राइट नाउ। तो सपोर्ट बहुत है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो पूरा टीम हुआ है ना, अरविंदर केरापा जी और पूरा जो टीम है वो फैमिली है, और संगत से अच्छा, यू नो अच्छा होता, संगत अच्छा होता तो गाना भी अच्छा हो जाएगा, तो वही पकड़ लीजिए। बहुत अच्छा वाइब था, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है काम जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौली की एनर्जी एंड आप लोगों की एनर्जी उस वीडियो में जब देखते हैं तो वो दिखता है सामने, हाँ मतलब जो चाहे मूव्स की बात हो चाहे स्टेप की बात हो, तो आपके लिए वो कितना मुश्किल रहा वो मूव्स के साथ में वो वाइब्स को मैच करना? पहला तो मूव था ही नहीं, ठीक है मूव अंदर है छुपा के रखता हूँ, ऐसे कभी डांस कर लेता हूँ, लेकिन वो बाहर प्रेजेंट करना बहुत टफ रहता है, क्योंकि क्या ना हम लोग बहुत जजमेंटल है कि लोग क्या बोलेंगे, ये पहना तो ये क्यों क्या बोलेंगे, तो वो डर पैदा हो जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि फटे कपड़े क्यों पहने हो, ठीक है अच्छा ये इधर क्यों ये कर लिया, तो डर जाते हैं हम लोग कि लोग क्या सोचेंगे। इस बार मैंने वो माइनस कर दिया, मैंने बोला जो सोचना है सोचने दो, तनिष बातचीत तो आएगा, हिलेगा और हिलाएगा, और पाजी आएंगे उसमें, पाजी मुझे सपोर्ट करेंगे, तो क्या है टीम जो है बहुत बहुत, पाजी ने मेरे को खुद पुश किया है भाई, पीछे बैठे रहेंगे जाके ना क्या रिव्यू भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं, आगे आएंगे एटलीस्ट, चाहे अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं चाहे बुरे, कुछ हो तो रहा है ना, आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड अबाउट द एनर्जी, भाई भाई इज़ ए गुड डांसर, भाई सब कुछ करते हैं, भाई थोड़ा शर्माते थे, एंड अभी मेरे को मैंने उनको बोला था आप एक वीडियो करोगे ना, जब आपको अपने स्क्रीन पे देखोगे ना फिर और मन करेगा आने का। एंड अभी मैं देख रहा हूँ भाई, कल रील्स भी बना रहे थे मेरे पास, भाई का कॉन्फिडेंस ही चेंज था कि ऐसे करेंगे, मैं कहा अच्छा भाई चेंज हो गए, बड़ी जल्दी चेंज हो गए। बिल्कुल जी, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया है, क्या है कि ये एक प्रोसेस रहता है जो मैं अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे म्यूजिक का जीरो से था, तो ये भी जीरो से, इसमें भी सीखना पड़ेगा, इसमें भी सीखना पड़ेगा कि कैसे बॉडी लैंग्वेज होगा, क्योंकि देखो जब हम लोग म्यूजिक करते हैं तब लोग देखते नहीं म्यूजिक आदमी क्या बना रहा है, कैसा दिखता है क्या है, वो म्यूजिक से जज करता है, उसमें मैं थोड़ा बहुत माहिर हो गया, इसमें उतना माहिर हूँ नहीं अभी भी, अभी मुझे सीखना है, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि और ज्यादा प्रेजेंटेबल हो सकूं और कुछ ऐसा इंटरेस्ट करूं, लेकिन एक वो कीड़ा आ गया है, भाई ने डाल दिया कीड़ा। जीरो की मैं बात करूं, जैसे कि आपने बोला कि मैं जीरो की से शुरुआत करूं, अगर मैं गाने की बात करूं या रिक्रिएशन की बात करूं, जो जिसके लिए आप जाने जाते हैं कि मतलब कि रिक्रिएशन मतलब तनिष बागची, ठीक है, तो किस तरीके से देखते हैं उस जर्नी को जीरो से लेके आज तक पतली को बढ़ गया, इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ये जर्नी तो देखो
ट्रेन की तरह है बाबा, जर्नी मतलब ये वो ट्रैवल हो गया, मैं ट्रैवल किए जा रहा हूँ और ये क्या नेवर एंडिंग जर्नी है। बिल्कुल, और हर स्टॉप जो है वो समझ लो आपके इमोशंस हैं, अलग अलग इमोशन, अलग अलग ट्रैक, अलग अलग शहर, अलग अलग लोग, अलग अलग मिलते रहते, तो ये म्यूजिक ऐसे ही बनता रहेगा। तो लाइफ जो है जर्नी जैसा है, चलती रहे ट्रेन। पहला जो है वो जो पहला जो ट्रेन में घुसने का जो जर्नी है ना, जर्नी थी कैसी, वही तो बता रहा हूँ। जब ट्रेन में घुसने का जो पहला स्टेप था, तभी मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि ये बहुत रफ होने वाला है, बहुत रफ होने वाला है और बहुत टर्बुलेंस आने वाला है, डिस्ट्रक्शन आने वाला है, तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और पहला जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जिंदगी का था, माता पिता से अलग होकर काम करना, ठीक है, वो मैंने पहला सेक्रीफाइस किया जिंदगी में। मैंने इसलिए सेक्रीफाइस किया क्योंकि उन्होंने जो मेहनत किया 40 साल, वो मुझे अंजाम तक पहुंचाना था कि एटलीस्ट वो देखें कि वो कितना दूर मैं खींच पाऊंगा। मैं छोड़ा नहीं, पापा का जर्नी नहीं छोड़ा, मम्मी का जर्नी छोड़ा, उनका म्यूजिक मैं खींच के लेके गया, जितना मेरे को नॉलेज है इतना, जितना खींच सका मैंने किया है। स्ट्रगल देखो, हर आदमी का स्ट्रगल है, ऐसा नहीं मैं अगर बोलूँगा मैं एक दिन खाया नहीं, एक दिन सोया नहीं, रास्ते पे सोया, बाकी किसी घर पे जाके सो गया, बाकी खाना खा लिया उधार, ऐसा मैंने किया है, ठीक है, रोना भी आता है सोच के, लेकिन मैं वो मोमेंट पे जाऊँगा ना तो वो मोमेंट में मुझे खुशी होती है। जब मैं रो रहा था तब मैं खुश था कि अभी मैं रो रहा हूँ ना, आज से 15 साल में भी 10 साल बाद मैं बहुत हंसूंगा और बहुत खुश रहूँगा क्योंकि मैं सक्सेसफुल होऊंगा। वो होप मेरे अंदर था और मैं उसको अंदर रखा, और अभी जब होता है तो मैं खुद ही खुश हो जाता हूँ खुद को। लगता है कि मतलब कि वो सब जो जो स्ट्रगल जो देखा है और आज वो सब मतलब वो सब वसूल है, इस मुकाम पे आने के बाद। वसूल नहीं बोलूंगा, वसूल नहीं बोलूंगा, वो स्ट्रगल अच्छा था जिंदगी में। वसूल कब होगा पता है, जब तनिष्क बागची जैसे हजारों लोग आएंगे एक साथ, हजारों सक्सेस होंगे, एक आदमी नहीं बनेगा। सब बोलते हैं अच्छा एक आदमी बन गया प्रीतम, एक आदमी बन गया रहमान, एक बार तनिष्क बागची, जब लोग बोलेंगे ना कि देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है, जैसे इंग्लिश गाने होते हैं कितने आर्टिस्ट होते हैं, अच्छा इंग्लिश फिल्म देख लो कितने हीरोज हैं, सब हीरो का अलग अलग चार्म है, सब हीरो का ऐसा है, बस अभी अगर वो हो जाए ना तो वो सक्सेसफुल होगा मेरे लिए। भाई मैंने तो अभी तो हमने बहुत आपको शॉर्ट में सुनाई है, एंड भाई की बहुत लंबी जर्नी है। मैं भाई के साथ जब शूट पे था, हम बैठे, हमने बहुत बातें की हैं, दैट्स द रीज़न कि ना वो अभी मैं भाई को पहले ही बताया था, आप ये सोच रहे हो, कल भी देखो वो बात हुई थी, जब मेरे को पता लग गया था कि भाई क्या सोच रहा होगा, क्या करा, तो हमने काफ़ी बातें की हैं, एंड भाई की बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है, बहुत ज़्यादा, एंड आई कैन जस्ट से दैट आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड द वे इज़ वर्किंग। आगे भी जो चीज़ें चल रही हैं एंड जिस तरीके से सॉर्टेड तरीके से अभी चल रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे अभी, खतरनाक। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों से करते हो, क्योंकि आपसे भी एंड तनिष्क से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है एज एन आर्टिस्ट की, जब जो कर दिया वो हिट हो गया, जो बनाना है तो उससे और बेहतर बनाना, बहुत ज़्यादा, तो उस पर मतलब खुद पर प्रेशर कितना आ जाता है। मेरे पास एग्जांपल है इस चीज़ का कि मैं ना बातें करता रहा, मैं सबसे पूछता रहता हूँ, मेरा मैं आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन ना, मैं सवाल पूछता हूँ, मेरे को ना वो होता है कि भाई को पूछूँ ये कैसे है, भाई है तो भाई के बारे में पूछूंगा, अगर मैं हनी भाई के साथ बैठूँ मैं हनी भाई को पूछूंगा, मैं आई हैव वर्कड विद एवरी वन, बोहिमिया, रफ्तार, है ना, बादशाह भाई, सो मेरा गाना आया था ऑलरेडी, गाना आ गया था जैगुआर, जैगुआर वॉज सुपर हिट दैट टाइम, एंड मैं उसके बाद ना गाना नहीं किया, मैंने 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, बस वो कन्फ्यूज के यार वो गाना इतना अच्छा निकाल दिया, एंड आई डोंट नो क्या करूँ आगे, कि लोग ये ना कहें कि भाई पहले निकाल दिया, तुक्का था, ये था, वो था, ना वही चीज़ क्योंकि नए नए आए थे तब ये दिमाग में था, तो आई वॉज विद बादशाह भाई, मैं आई आजम ही आजम कि तुम्हारा गाना कब आ रहा है नेक्स्ट, मेरा भाई यार मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, बस मेरा वो गाना इतना अच्छा चल गया, एंड मेरा कोई प्लान भी नहीं था सिंगर बनने का, मैंने तो वैसे ही निकाला, तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन, बिकॉज आई वर्क एज ए म्यूजिक डायरेक्टर पहले, तो वो कहता चल नहीं करेगा तो क्या होगा, मैं कह कुछ भी नहीं करेगा तो कह रहे क्या होगा, मैं कह ये हो सकता है ये हो सकता है, फिर करो ना, कह रहे कुछ ना से कुछ तो अच्छा है ना, अच्छा मिले बुरा मिले कुछ करोगे तभी तो पता लगेगा ना कि तुम्हारे में क्या पोटेंशियल है, लोगों को क्या चाहिए तुमसे, फिर मेरे दिमाग में वो बात है कि हाँ देखो वो ये तो बंदे के ना कंधों पे बोझ रहेगा ही हमेशा, बट हमें सिर्फ काम करना चाहिए एंड करते रहना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सेम ही है, मैं क्या बोलूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, आप अगर ये सोचोगे ना कि आप नहीं, वही बोल रहा हूँ, अगर आप इतना सोचोगे ना तो फिर तो वो बोझ बढ़ता ही जाएगा,
बिना सोचे करोगे ना तो आपको वो लगेगा ही नहीं। आप हर गाना सोचो आप एक जीरो लेवल से कर रहे हो, आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो। जो मैं अभी भी सोचता हूँ, अभी मैं कई गाना पिच करता हूँ तो मैं वो 15 साल पुराना तनिष्क के हिसाब से ही करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ कि मैंने वो गाना दिया, मैंने ये गाना दिया, आप देखो 2 मिलियन हो गया इस बार भी। नहीं, ह्यूमन में एरर्स होंगे, इसलिए तो हम लोग ह्यूमन है। तो एरर्स जो है वही अपने को सिखाता है। तो मैं सीखता हूँ, सीख के अगर मैंने ये गाना किया, दिलबर किया, तो मैंने सोचा अच्छा इसमें अरेबिक किया है, नेक्स्ट गाना मैं कोशिश करूँगा अरेबिक ना करूँ, कुछ और करूँ। राइट, तो प्रोडक्शन में क्रिएटिविटी करता रहता हूँ, लेकिन ये नहीं सोचता हूँ कि ये 1 बिलियन हुआ तो उसको 2 बिलियन तो करना ही पड़ेगा भाई, ये तो नाम खराब हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा पता है, 1 बिलियन किया, 2 बिलियन किया, 3 बिलियन चाहिए, उसके बाद 4 बिलियन चाहिए, उसके बाद ये तो बस ये चीज में रह जाएंगे, बढ़ता रहेगा फिर। इससे अच्छा एक्सपेक्ट मत करो, काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। भाई के तो बहुत बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड भाई सिंगल्स आ रहे हैं। सिंगल्स का मुझे बहुत इंटरेस्ट है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। हाँ, मेरे काफ़ी सिंगल्स आ रहे हैं, एंड कोलैबोरेशन भी आ रहे हैं, हम भी कुछ बना रहे हैं साथ में। सो हम साथ में तो चलो करते ही रहेंगे काम। भाई का अपना भी गाना हो उसमें मैं इन्वॉल्व रहूँगा, या मेरा भी गाना हो, मैं भाई से हमेशा रिव्यूज लूँगा कि क्या है इसमें कमी, हम क्या बेटर कर सकते। बिकॉज आई थिंक ये तरीका बहुत अच्छा है, बिकॉज आप जितना एक दूसरे का हेल्प करोगे, एंड समटाइम आर्टिस्ट को जिसने कुछ बनाया होता है ना उसको नहीं पता लगता कि क्या चीज़ बनी है। यू नीड टू हैव गुड लिसनर्स अराउंड यू। अगर आपके आसपास लिसनर ही नहीं अच्छे हैं ना तो आपको भी नहीं पता लगा आप क्या बना। अगर आपके पास ऑनेस्ट एंड सही राय देने वाले आपके पास लिसनर्स हैं ना जब आप गाना बनाते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अब बहुत गाने बना रहे हैं, एंड अलॉट ऑफ सिंगल्स, अलॉट ऑफ बॉलीवुड ट्रैक्स, अलॉट ऑफ कोलैबोरेशन ऑन द वे। आ रहे हैं पिक्चर, सूर्यवंशी आ रही है अभी, 1 साल से वेट कर रहा था आने के लिए, तो उसमें है, उसमें रिक्रिएशन है, उसमें भी बहुत मेहनत लगी है पिक्चर में। और दोस्ताना आ रही है, उसमें भी कुछ गाने हैं, और क्या बोल, लाइगर है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं उसमें, क्योंकि वही होता है ना आपने जो बोला, एक्सपेक्ट लोग करते हैं, लेकिन मैंने वो एक कोशिश किया है कि मेहनत डाला है, ऐसा सोच के नहीं किया कि बहुत बड़ी पिक्चर है, अपने आप को डाल दिया गाने पर भी देख। Perfect, and all the best for your song. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.